हाय एंड वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशंस पर हमने कुछ ट्री के हवाले से जाना कि एक्चुअली ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, बाइनरी ट्री क्या है, उसके कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्या चीज़ें, क्योंकि वो तमाम सेशन देखना या समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ऑनवर्ड जो आगे आने वाली चीज़ें हैं विच मीन अगर हम आज से जैसे बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत इजी और ईज के साथ आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप वो तमाम वीडियो सेशन जो प्रीवियसली अपलोडेड हैं उनको देखें। तो इस सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इस सेशन के अंदर ना सिर्फ हम बाइनरी सर्च ट्री को समझेंगे कि एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बल्कि उनके तमाम ऑपरेशन भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ऑपरेशन क्या है और वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं, विच मीन इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं, डिलीट कैसे करवा सकते हैं, सर्च कैसे करवा सकते हैं, एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ द बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड कंटेन्स ओनली लार्जेस्ट वैल्यू इन इट्स राइट सब ट्री और ओनली स्मॉलर वैल्यू इन इट्स लेफ्ट सब ट्री। यानी आपकी ट्री बाइनरी ही ट्री होगी लेकिन इसके अंदर दो स्पेसिफिक कंडीशन है कि जो आपके लेफ्ट साइड पर ट्री बनने वाली है या अनदर नोड्स आने वाले हैं वो तमाम के तमाम ऊपर वाले यानी अपने रूट एलिमेंट से क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। और अगर यही ट्री या नोड राइट हैंड पर इंसर्ट होने जा रही है या पुट होने जा रही है तो ये हमेशा अपने रूट एलिमेंट से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं तो मैं मार्कर यूज करता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एटमोस्ट दो नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं, यानी जब मैं एक नोड बनाता हूं तो वो ये बाइनरी ट्री है, वन बनाता हूं तो भी बाइनरी ट्री है और टू बनाता हूं तो भी बाइनरी ट्री है। लेकिन इस वक्त हम बाइनरी सर्च ट्री के हवाले से देख रहे हैं तो उस डेफिनेशन के मुताबिक मैं एक ट्री बनाने की कोशिश करता हूं ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए और डेफिनेशन भी। तो फॉर एग्जांपल हमारे रूट एलिमेंट पर जो नंबर मौजूद है वो 15 है, एक एलिमेंट मुझे यहां पर इंसर्ट करवाना है 9, तो हमें चेक करना होगा कि ओनली लार्जेस्ट वैल्यू इन द राइट साइड, क्योंकि 15 से वो कम है तो यकीनी तौर पर वो कहां पर जाएगी, लेफ्ट साइड पे जाएगी, तो 9 वैल्यू मैंने यहां लिख दी। दूसरी वैल्यू आती है 49, तो 49 50 से क्या है, बड़ी है, तो ये कहां पर आ जाएगी, हमारे राइट हैंड पर आ जाएगी। तीसरी के बाद चौथी वैल्यू हमारे पास आती है फॉर एग्जांपल 6, तो 6 वैल्यू हम कहां इंसर्ट करवाएंगे, क्योंकि वो 9 से क्या है, 15 से छोटी है और 9 से क्या है, भी छोटी है, तो हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पर चले जाएगी। और इसी तरह अगर 9 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं एक और एलिमेंट ऐड करवाना चाह रहा हूं 8, तो वो यहां आ जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो इस एलिमेंट से ना सिर्फ छोटी है बल्कि जो उसके सब ट्री हैं उससे भी वो एलिमेंट क्या है, छोटी। एंड सो ऑन, इस तरह से ये तमाम चीजें चलेंगी। तो डेफिनेशन के मुताबिक यहां पर सिर्फ नोड्स के हवाले से नहीं बताया जा रहा बल्कि एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर मौजूद है, सब ट्री, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि अगर ये हमारा रूट एलिमेंट है तो इसके साथ ये जो बॉडी है ये इसका सब ट्री है। तो ये पूरे सब ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो 15 से हमेशा क्या होंगे, लोअर होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो सब ट्री हमारे राइट हैंड पर है वो हमेशा, ऑल्दो अभी तो एक ही एलिमेंट है, इसके बाद भी कोई अगर एलिमेंट होता तो वो 15 से हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ओके, इस नंबर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 10 में, क्योंकि ये डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही है, क्योंकि ये 9 से ग्रेटर हो जाएगी और 6 जो है वो लोअर वैल्यू है, यही वजह है वो उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो ना सिर्फ हमने डेफिनेशन को रीड किया बल्कि उसके मुताबिक जो यहाँ पर मैंने ट्री डिजाइन की है वो हमारे बाइनरी सर्च ट्री के डेफिनेशन पर पूरा उतरते हुए यहाँ पर सूटेबल साबित हो रही है। कोड के हवाले से बात करूं तो जिस तरह से हम ट्री क्रिएट करने के लिए इंटीजर टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट बनाते हैं और उसके बाद हमें पता है कि ट्री बनाने के लिए हम ना सिर्फ बेसिक एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर जो काम होता है वो हमारे पास डबली लिंक लिस्ट के जरिए से होता है, जो हमारा जो एरिया है मेट वाला वो एलिमेंट को हैंडल करता है जबकि ये जो एरिया है वो अनदर रिसोर्सेज को गेट कर रहे होते हैं जो उसके बाद ड्राइव हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने सिंगल एलिमेंट बेस पर आया है तो यही वजह है कि मैंने दोनों तरफ क्रॉस रखा है। ये तमाम चीज़ें मैं प्रीवियस सेशन पे बता चुका हूँ कि एक्चुअली लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए हम इस तरह से यहाँ पर कोड कर रहे होते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्ट बेस नोड को जाहिर कर रहा होता है जिसके जरिए से वो पॉइंटर दूसरे एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात की जाती है कि एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन और वर्किंग तो हमने समझ लिया कि ट्री किस तरह से बनती है। अब यहां पर हमें यह समझना है कि एक्चुअली अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट दिया जाए तो हमें सबसे पहले यहां पर देखना है कि हम बाइनरी सर्च ट्री बना कैसे सकते हैं, उसके बाद उस ट्री के अंदर सॉर्टिंग किस तरह से की जाएगी, सर्चिंग किस तरह से की जाएगी, रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं और रिकॉर्ड डिलीट कैसे करवा सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सिक्वेंस ऑफ नंबर मौजूद है तो इसको लेते हुए हमें क्या क्रिएट करना है, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 16 है, मैंने 16 बेस नोड बनाया, 16 के बाद एलिमेंट 5 है, 5 16 से क्या है, लेस देन है तो लेफ्ट साइड पर आ गया,
लेकिन वैल्यू उसके बाद हमारे पास 7 है, 7 हम जानते हैं कि 16 से लेस है, लेकिन 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो अब 5 के राइट हैंड साइड पर 7 आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद वैल्यू 20 है, 20 16 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये इसके राइट हैंड पर आ जाएगा, तो मैं यहां पर 20 बना सकता हूं। उसके बाद एलिमेंट हमारे पास 3 है, 3 16 से लेस है, 5 से क्या है, लेस है, तो इस 5 के किस साइड पर आ जाएगा, वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो मैं यहां पर 3 के लिए एलिमेंट बना सकता हूं। उसके बाद बारी आती है 11 की, 11 16 से लेस है, ठीक है, 5 से, क्योंकि 5 ऑलरेडी हैंडल हो चुका है, तो अब हम आएंगे अपने एलिमेंट 7 की तरफ, तो 7 को देखेंगे कि 7 से 11 क्या है, ग्रेटर है, तो यकीनी तौर पर मैं इसके राइट हैंड पर बना सकता हूं यहां पर 11, ठीक है। 11 के बाद 4 है, 4 16 से छोटा है, 5 से बड़ा है, क्योंकि 5 ऑलरेडी ये वाला जो सब ट्री है वो डेफिनेशन के मुताबिक पूरा हो चुका है, तो हम 3 की तरफ आएंगे, क्योंकि ये लोएस्ट एलिमेंट है। इस लोएस्ट एलिमेंट पे देखना होगा कि 3 इससे बड़ा है या छोटा है, 3 इससे बड़ा है तो यकीनी तौर पर ये इसके कहां पर आ जाएगा, राइट हैंड पर आ जाएगा, तो यहां पर ये एरिया भी कवर हो गया। अब बारी आती है 18 की, 18 16 से बड़ा है लेकिन 20 से क्या है, लेस देन है, तो लेस देन को हमेशा हम कहां पर बनाते हैं, लेफ्ट साइड पे बनाते हैं, तो यहां पर मैंने 18 के लिए एडिशन कर दी, यानी इसके नोट को कर दिया। बारी आती है 48 की, 16 से बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, तो 20 से बड़े के लिए हम राइट हैंड पे जाएंगे, तो मैंने यहां पर 48 का नोट बना दिया। इसके बाद बारी आती है 56 की, तो डायरेक्टली अगर मैं 56 को हैंडल करूं तो 48 से बड़ी है वैल्यू, तो ये हमेशा राइट हैंड पे चले जाएगी 56, और मैंने यहां 56 लिख दिया। इसके बाद आती है 36 की वैल्यू, 16 से बड़ी है, 20 से भी बड़ी है, लेकिन 48 से क्या है, छोटी है, तो जो भी वैल्यू छोटी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर आ जाती है, तो यहां पर हम 36 के लिए नोट बना देंगे। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली सीक्वेंस ऑफ नंबर को रीड करते हुए बाइनरी सर्च ट्री की उस डेफिनेशन के मुताबिक अपनी ट्री क्रिएट कर ली है। क्रिएट करने के बाद बारी आती है कि एक्चुअली अब बाइनरी सर्च ट्री बनाने का मकसद ही यही है कि हम क्या कर सकें, अपनी सर्चिंग फेनोमेना को आसानी के साथ और ईज के साथ इसमें परफॉर्म करवा सकें। तो सबसे पहले हमें सर्चिंग करवाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो ऑर्डर हो वो क्या हो, सॉर्टेड फॉर्म पर हो। तो यही वजह है कि हमने यहां पर पहले सॉर्टिंग की बात की हुई है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें जो टेक्निक यूज करना होता है उसको हम इन ऑर्डर फॉर्म कहते हैं, जो प्रीवियस सेशन पर मैं बता चुका हूं कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या चीज है। तो इन ऑर्डर में कन्वर्ट करना है हमें अपने ट्री को, तो इन ऑर्डर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है लेफ्ट, रूट एंड राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहां से सॉर्टिंग स्टार्ट करूं तो सॉर्टिंग के लिए हमें इन ऑर्डर फॉर्म को, यानी इन ऑर्डर की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए उस पूरी ट्री को यहां पर क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो लेफ्ट, रूट, राइट, रूट पर आऊंगा, रूट से मुझे सबसे पहले कहां जाना है, लेफ्ट पे, इसके भी लेफ्ट साइड पर मौजूद है, लेफ्ट मौजूद है, तो लेफ्ट के बाद हमें कहां जाना है, रूट पे, क्योंकि इसके लेफ्ट पे कुछ मौजूद नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, रूट एलिमेंट, तो मैंने रूट एलिमेंट यहां पर लिख दिया 3। रूट के बाद बारी किसकी आती है, राइट की, राइट लिख दिया, ठीक है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके ऊपर जाऊंगा 5, 5 का लेफ्ट हो गया, तो उसके बाद बारी आती है रूट की, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट, रूट और राइट है। अब मैं लिखूंगा 5 और उसके बाद लिखूंगा 7, क्यों, क्योंकि 7 मौजूद है कहां पर, राइट पर। तो ये पूरा पार्ट हमारा हैंडल हो चुका है। उसके बाद इस 7 से ड्राइव क्या हो रहा है, 11, क्यों, क्योंकि 7 के राइट पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं लेफ्ट के एलिमेंट लिखूंगा, तो मैंने 11 लिख दिया। तो अब फाइनली ये पार्ट पूरा हो गया, राइट हैंड पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है रूट की, क्योंकि सबका जो इंडिविजुअली रूट था वो तो तमाम एंटरटेन हो चुके हैं, लेकिन हमारे ट्री का जो रूट एलिमेंट है वो 16 है, अब उसकी बारी है, तो मैंने यहां 16 लिख दिया। 16 के बाद लेफ्ट साइड के तमाम एलिमेंट कवर हो चुके हैं, अब हमें राइट हैंड पे जाना है। तो राइट हैंड पे जैसे मैं पहुंचा तो मुझे 20 के बाद एलिमेंट मिला 18, क्योंकि 20 इसके लिए क्या है, रूट है, तो इसके लेफ्ट साइड पर 18 मौजूद है, मैंने 18 लिखा। उसके बाद जैसे 20 पे पहुंचा तो 20 के लेफ्ट साइड पर मुझे 48 मिला। 48 खुद क्या है, इन दोनों एलिमेंट के लिए रूट है, तो जब इन दोनों एलिमेंट के लिए रूट है तो डेफिनेशन हमें इन ऑर्डर की कहती है कि पहले लेफ्ट वाली वैल्यू को लिखना है, तो मैंने लेफ्ट वाली वैल्यू को पहले लिखा, उसके बाद 48 क्योंकि खुद रूट है, और उसके बाद हमारे पास जो राइट वैल्यू है वो है 56। तो जितने एलिमेंट थे अब वो सॉर्टेड होकर इन ऑर्डर फॉर्म पर यहां पर आ चुके हैं, और अब सर्चिंग हमारे लिए और भी ईजी हो गई, ठीक है। सर्चिंग के लिए हम एक आइट्रेशन चलाएंगे और इजिएस्ट वे पर वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर इन टर्म ऑफ ऑपरेशन बताऊं तो इन टर्म ऑफ ऑपरेशन में फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप 3 सर्च करो, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सर्च जो एलिमेंट है हमारा वो है 3। तो 3 को अगर तुम इस पूरे ग्राफ इस पूरे ट्री को देखो तो इस ट्री के अंदर हमारे पास डेटा जो है ना वो डिवाइड एंड कंकर की तरह काम कर रहा है, यानी दो चंक में डिवाइड हुआ है।
एक एरिया वो है आपके ट्री का जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है और एक राइट साइड पे मौजूद है। तो हमें सबसे पहले अपने रूट एलिमेंट से कंपेयर कराना होगा कि जो एलिमेंट तुम सर्च करना चाह रहे हो वो 16 से बड़ी है या छोटी है। 16 से छोटी है तो यकीनी तौर पे ये वाला जो पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा जो हमारे राइट हैंड पे। तो हम चले जाएंगे अपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जाने के बाद 5 से देखेंगे कि 5 से 3 बड़ी है या वैल्यू है छोटी है। यकीनी तौर पे से छोटी है तो अब मैं कहां चले जाऊंगा, इसके राइट पे। जैसे ही मैं 1 2 यानी ये पहली आइट्रेशन थी और ये दूसरी आइट्रेशन थी और दूसरी आइट्रेशन पर हमें वो नंबर मिल गया जिस नंबर की हमें क्या थी यहाँ पे तलाश थी। तो ना सिर्फ हमने सॉर्ट करना देखा कि इन ऑर्डर के जरिए से हम डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं और सॉर्ट करने के बाद जो एलिमेंट की सर्चिंग है वो और भी फास्ट हो जाएगी यकीनी तौर पर, क्योंकि हम डेटा को पहले सॉर्ट फॉर्म पे लेकर आते हैं उसके बाद सर्चिंग लगाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सर्चिंग भी वैल्यू काफी आसान है। अब बारी की जाती है, अब बात की जाती है इंसर्ट की। अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करवाना है और वो इंसर्ट वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल 60, ठीक है। ये क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री इस वक्त रेडी है, अब मुझे क्या सर्च कराना है 60। रूट एलिमेंट पर क्या मौजूद है 16। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि जो वैल्यू तुम इंसर्ट करवाने चाह रहे हो वो 16 से बड़ी है या फिर छोटी है। यकीनी तौर पे बड़ी है, तो बड़ी के लिए हम कहां पे चले जाएंगे, राइट हैंड पर। राइट हैंड पर 20 देखा गया कि 20 ऑलरेडी इंटरटेन हुए हैं यहां पर दोनों, ठीक है। एटमोस्ट दो नोड होते हैं तो इस पर तो वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते। मैक्सिमम वैल्यू 48 है। 48 के बाद देखा हमने इनके भी दोनों रूट जो हैं एलिमेंट के साथ इंटरटेन हुए हैं और एट लास्ट हमारी बड़ी वैल्यू क्या मिली हमें 56। तो 56 पर जाने के बाद हमें पता चला कि जो वैल्यू मैं यहां पर इंसर्ट करवाने वाला हूं वो इससे बड़ी है, तो यकीनी तौर पे ये इसके कहां पर आ जाएगी, लेफ्ट साइड पर आ जाएगी और यहां पर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब तुम इंसर्ट करवाना चाहते हो 13, ठीक है, सेकंड वैल्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट लास्ट में था तो यकीनी तौर पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि हम डायरेक्टली रूट एलिमेंट पे जाके ये सर्च करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं। चेक किया गया 16 से छोटी है, बिल्कुल सही है। 5 को देखा गया, 5 के दोनों एलिमेंट इंटरटेन हुए हैं, इनमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 7 है। 7 से नीचे गया, इसके मैक्सिमम एलिमेंट क्या है भाई, 11। 11 के फर्दर कोई भी लीव्स मौजूद नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या जो एलिमेंट मैं यहां पर इंसर्ट करने वाला हूं वो 11 से बड़ी है या छोटी है। 11 से बड़ी है तो मैं यहां पर इसको कहां पर लेके जाऊंगा, राइट हैंड पर, और यहां पर वो एलिमेंट इंसर्ट करवा दूंगा। तो हमने तीनों ऑपरेशन देख लिया कि हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को किस तरह से सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग इन ऑर्डर, और उसके बाद हमने उसकी सर्चिंग भी देख ली कि सर्चिंग उसमें कितनी आसान है और किस तरह से की जाती है, और वैल्यू को इंसर्ट करवाने का भी हमने तरीका देख लिया कि एक्चुअली उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कैसे करवाएंगे। अब बात की जाती है डिलीट की। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि जो बाइनरी सर्च ट्री यहां पर बनी हुई है हम उसे एक सेपरेट पेज पर लेकर जाएं और वहां पर जाके समझते हैं कि ट्री बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डिलीट के ऑपरेशन किन किन तरीकों से किए जा सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से हमारी ट्री बनती है और उसके बाद ना सिर्फ हमने सॉर्टिंग, सर्चिंग और इंसर्शन भी हमने करके देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने वही स्नैप यानी अपनी बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट हैंड साइड पर बनाई हुई है, और सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डिलीट ऑपरेशन किन किन तरीकों से किए जा सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, यानी जब आप बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं या बाइनरी ट्री बनाते हैं तो उसकी डेफिनेशन में बताया गया था कि एटमोस्ट हमारे पास 2 नोड्स हो सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस सर्चिंग ट्री में से, बाइनरी सर्च ट्री में से एक ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे नोड्स को हम क्या कहेंगे, 0 चाइल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई इसमें से मुझे 4 को डिलीट करना है, ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूं। अब 4 को डिलीट करना है तो यकीनी तौर पर बहुत आसान है, डायरेक्टली डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ना। जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ना तो इसके नीचे कोई चीज मौजूद है जिससे उसका इफेक्ट पड़े, तो मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं। तो इसमें तो कोई हमें कोई परेशान होने की बात ही नहीं है, डायरेक्टली उस नोड पे पहुंचा, देखा उसके नीचे कोई भी चाइल्ड उसके हैं नहीं है, बस डायरेक्टली उसको हमने डिलीट कर दिया। डेफिनेशन के मुताबिक दूसरी चीज हमें पॉइंट ये बताई जाती है कि ऐसे एलिमेंट जिसके एक चाइल्ड है, ठीक है, कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं 3 की बात करता हूं, 3 को मुझे डिलीट करना है, तो 3 को डिलीट करना है तो यकीनी तौर पर 3 के क्या एक चाइल्ड है ना। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ऐसे नोड को तुम डिलीट कर रहे हो जिसके एक चाइल्ड हैं तो तुम क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दोगे। कैसे? तो अब जब ये डिलीट हो जाएगा यहां से तो यकीनी तौर पे ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो रिवर्स हुआ, 4 3 की जगह गया और 3 4 की जगह, और 3 को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, बिल्कुल उसके मुताबिक जैसे कि 4 चाइल्ड 0 के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम अपने थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे बताया जा रहा है कि चाइल्ड की क्वांटिटी अगर हमारे पास 2 है
तो बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी सिचुएशन। उसमें कहा जा रहा है इसको हम दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर एक ऐसे नोड को डिलीट करने जा रहे हैं जिसके ऑलरेडी ही एटमोस्ट दो चिल्ड्रन मौजूद हैं, तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। पहला ऑपरेशन हमें यह कहता है रिप्लेस द डिलीट नोड विथ इन ऑर्डर प्रीसीडेसर, और दूसरा तरीका है रिप्लेस दैट नोड विच यू आर गोइंग टू डिलीट विथ इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी आप उस नोड को जिसको तुम डिलीट करना जा रहे हो अपने लेफ्ट साइड वाले में से मैक्सिमम नंबर को रिप्लेस कर दो, और दूसरा तरीका यह कहता है कि जो आपके राइट हैंड पे जो सब ट्री है ना उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि ये टर्म हमें ये बताती है पहले वाले टर्म के बारे में, ठीक है, और ये वाली टर्म बताती है बाद वाले। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं कि मुझे 16 यहां जो नंबर मौजूद है ना इसे डिलीट करना है। क्या करना होगा, देखो डेफिनेशन फर्स्ट कह रही है इन ऑर्डर प्री में कि हमें पहले वाले चीज को प्रेफर करना है। पहले वाली चीज से मुराद ये है हमारा ये जो सब पार्ट है ना, ये एक सब पार्ट ये हो गया हमारे ट्री का, और इसी तरह दूसरा पार्ट हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इन ऑर्डर प्री प्रेसिडेंस के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे लेफ्ट साइड में जितनी ट्रीज के नोड्स मौजूद है ना उसमें देखो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसमें मैक्सिमम नंबर है 11, तो बस 11 को इससे एक्सचेंज कर दो। ठीक है, 11 को जब उससे एक्सचेंज करोगे तो वो एलिमेंट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। कैसे, 16 की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 11, 11 लिखने के बाद यकीनी तौर पर 5 अपनी जगह रहेगा, 20 भी अपनी जगह रहेगी, क्योंकि उस पर तो किसी किस्म का इफेक्ट आने वाला है ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर राइट हैंड वाली वैल्यू फिल कर देता हूँ क्योंकि उस पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया 36 और इसी तरह 56। लेफ्ट साइड पर आते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3 में वैसे लिख देता हूँ, मैंने समझाने के लिए डिलीट करके आपको यहाँ पर ऑपरेशन दिखाए थे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 11 को 16 को डिलीट करने की बात कर रहे हैं। तो 3 ऐसी रहा, 4 भी ऐसी रहा, और उसके बाद हमने इस 7 को यहाँ पर किया, और ये चीज़ जब अपने उस एलिमेंट से रिप्लेस हुई जिसको हम डिलीट करना चाह रहे थे, तो अब इस नोड के फर्दर कोई भी क्या मौजूद नहीं है, लीव्स मौजूद नहीं है ना, तो लीव्स मौजूद नहीं है तो डेफिनेशन 1 पर हमने क्या बताया, चाइल्ड 0 है, तो आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो इन ऑर्डर प्रेसिडेंस के अंदर हमने देखा कि हम पहले वाले एलिमेंट को यानी जो लेफ्ट साइड पे सब ट्री है उसमें जो मैक्सिमम नंबर है उससे रिप्लेस करके उसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सबसे बॉटम पे होगी, तो यही वजह है कि जब वो एलिमेंट नीचे पे जाएगा बॉटम पे तो हम आसानी के साथ उसे क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो हमने यहां पर डिलीट कर दिया। सेकंड कहता है इन ऑर्डर सक्सेसर, इसमें बाद वाले एलिमेंट को डिस्कस किया जाता है, बाद वाले एलिमेंट से मुराद ये पार्ट है, ठीक है, पहले से ये मुराद है। अब इसमें देखा जाएगा जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड पे देखा था मैक्सिमम वैल्यू, अब हम राइट पे देखेंगे मिनिमम वैल्यू। अगर मैं राइट पे मिनिमम वैल्यू देखूं तो यहां पर 18 मिनिमम वैल्यू है इस पार्ट में से, तो इस 18 को इससे क्या कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा। देखते हैं, तो मैंने यहां लिखा 18, ठीक है, और 18 लिखने के बाद ये वैल्यू तो हमारी कोई चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल वैसी उतार दूंगा जैसे कि हमारे ओरिजिनल पे मौजूद थी। तो मैंने ये 3 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, ठीक है, और यहां पर हमने 4 लिख दिया। ओके, इट इज 11। यहां की बात करते हैं, 20, 20 से 48, और 48 से मजीद दो नोट्स हैं 36 और 56। रिप्लेस करने की बात हो रही थी 20 को किससे, इससे। तो जैसे ही मैंने इसको जब रिप्लेस किया, आप देख रहे हो इससे फर्दर कोई भी क्या मौजूद नहीं है, नोट्स मौजूद नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसे क्या कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं डेफिनेशन चाइल्ड जीरो की डेफिनेशन के मुताबिक, और अब हमारा जो सक्सेसर ऑर्डर बना वो उस एलिमेंट को डिलीट करने में कामयाब हो चुका है जिस एलिमेंट को हम डिफिकल्टीज से डिलीट कर पाते अगर हम इन दोनों ऑर्डर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑल दो आप ये ऑर्डर इस्तेमाल करें या ये ऑर्डर इस्तेमाल करें, दोनों में आप सक्सेसफुली अपने एलिमेंट को बाइनरी सर्च ट्री में से डिलीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को देख लिया कि अगर चाइल्ड जीरो है तो कैसे डिलीट करेंगे, चाइल्ड वन है तो रिप्लेस करेंगे, और चाइल्ड दो है जो बाइनरी डेफिनेशन के मुताबिक फुलफिल होती है एटमोस्ट पे, तो हम उसे दो तरीकों से इन ऑर्डर प्रेसिडेंस और इन ऑर्डर सक्सेसर से किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली अगर मैं बात करूं कि जब आप इन ऑर्डर कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड पर, तो इन ऑर्डर के अंदर अगर आप देखो तो
तो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होकर आ जाते हैं, सॉर्ट होकर आ जाते हैं ना। और अभी जब मैं 11 को क्या कर रहा था, डिलीट कर रहा था, तो 11 की जगह किसने ले ली, यहां पर 11 ने इसको रिप्लेस किया ना, और इसी तरह यहां पर 18 आ गया। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इससे पहले 16 से पहले 11 है, और 11 के 16 के बाद क्या है, 18 है, और यही दोनों वैल्यू रिप्लेस हुई हुई है यहां पर 11 18। ठीक है, तो मैं जब अपने बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में फॉर्म कर लेता हूं तो मैं बड़े आसानी के साथ बता सकता हूं कि अगर मुझे 36 को डिलीट करना है तो इसकी जगह या तो 20 ले सकता है या इसकी जगह क्या ले सकता है, 48 ले सकता है। ठीक है, और इसी चीज को हमने यहां पर रफली तौर पर ड्रॉ करके भी देख लिया कि किस तरह से इन ऑर्डर प्रेसिडेंस काम करेगा, प्रेडेसर्स या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर उसे काम करेगा। तो अगर आप अपने ट्री को इन ऑर्डर फॉर्म पर, यानी रूट लेफ्ट रूट और राइट के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लें, तो बड़े आसानी के साथ आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू पर या वट एवर जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो बता सकते हैं कि इस एलिमेंट को डिलीट करने के बाद कौन सा एलिमेंट इसकी जगह लेगा, जो कि यहां पर मैंने आपको दिखा दिया। अब बात की जाती है कॉम्प्लेक्सिटी की। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि जैसे ही हमें ट्री दिख रही है तो वो ट्री जो है डिवाइड एंड कंकर के बेस पर काम कर रही है, और हमें पता है कि जब भी हमारा प्रॉब्लम दो फर्दर चंक में डिवाइड होने लगता है तो वहां पर लॉग एन का कॉम्बिनेशन हर वक्त होता है। तो यही वजह है कि जैसे ही हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं या बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लॉग एन तो वैसे ही मौजूद है, और ओमेगा कॉम्प्लेक्सिटी हमें बता रही होती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे लॉग एन पर बेस करती है कि कितने डेप्थ की हमारी ट्री मौजूद है। जितनी डेप्थ होगी यानी जितनी वैल्यू हमारे एन की होगी उसी बेस पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बेस्ट केस ये बता रही है कि पहले एलिमेंट पे ही वो नंबर मिल गया जिसको तुम सर्च करना चाह रहे हो, एवरेज पे भी हमें एक लॉग एन टाइम कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होगी, जबकि वर्स्ट केस भी हमारा लॉग एन है कि जो भी नंबर ऑफ डेप्थ होगी वैल्यू की उस बेस पर हमारा काम करेगा। कोड को अगर मैं रफली तौर पे बताऊं तो जो स्ट्रेटजीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस की हैं यही हमारा एल्गोरिथम भी बता रहा है कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमें बिल्कुल वही काम करना है कि अपने रूट एलिमेंट पे जाना है। जैसे आप देख रहे हो कि सेकंड लाइन कोड पे भी लिखा हुआ है कि रूट नल ना हो और रूट पे वो डेटा हो, तो हम उसको चेक करेंगे कि अगर वो वही रूट पे वो एलिमेंट मौजूद है तो ठीक है, वगरना हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएंगे और उसके हर एक सब ट्री को देखते जाएंगे। जैसे मैंने बताया भी था कि रूट एलिमेंट से हम लेफ्ट या राइट साइड को सजेस्ट करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए भी हमने बताया कि किस तरह से मैक्सिमम फाइंड करेंगे कि डेप्थ पर जो भी वैल्यू है वो हमारे राइट हैंड पे या लेफ्ट साइड पर हमें आसानी के साथ मिल जाएगी। उसी कोड को चंक में डिवाइड किया गया। इंसर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू किस जगह पर जाकर अपने आप को एडजस्ट करेगी। एल्गोरिथम ये एल्गोरिथमिक वे पर कोड लिखा हुआ है, ऑल्दो आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पर कन्वर्ट करके इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइड मैं अपने ब्लॉग पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजी इस कोड को भी यूज़ कर पाएंगे। डिलीट के ऑपरेशन के हवाले से बात करूं तो डिलीट के तीनों तरीके मैंने अभी आपको बताएं, तो उन्हीं तीनों तरीकों को यहां पर एक फॉल्स कंडीशन पे इस्तेमाल किया गया है कि एक्चुअली जीरो एलिमेंट पे वो किस तरह से डिलीट होगा, और अगर दो एलिमेंट है हमारे पास तो हम उसे किस तरह से रिप्लेस करेंगे, और अगर हमारे पास एक नोड के दो चिल्ड्रन हैं तो हमने देखा कि हम उसे किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद हम दो ऑर्डर जो भी आप प्री यानी इन ऑर्डर प्रेसिडेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या सक्सेसर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लॉजिक मौजूद है, और एट लास्ट हम अपने पूरे ट्री को इन ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग पर आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाया था, जो नीचे एलिमेंट 3, 4, 5, 7, 11 के फॉर्म पर लिखी हुई है। क्योंकि इस फॉर्म पर एट लास्ट जब हमारे पास ट्री आ जाएगी तो उसका मतलब है कि जो जिस मकसद के लिए हम ट्री डिज़ाइन करके विजिबल करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो ट्री की वैल्यूज रिप्रेजेंट होती है वो इस फॉर्म पे तो नहीं होती है जिस फॉर्म पर हम ट्री बना रहे होते हैं, वो तो एक डायमेंशन वे पे होती है। ऑल्दो आप लॉजिक क्रिएट करके उसे ड्रॉ तो करवा सकते हैं लेकिन हम एक सीक्वेंस एरे के फॉर्म पर उसको रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, तो यही वजह है कि इन ऑर्डर पर हमने उन चीज़ों को विजिबल करवा दिया। तो इस सेशन पर हमने बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया कि एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री क्या है, किस तरह से उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सॉर्टिंग के, सर्चिंग के, इंसर्शन के और डिलीट के, और हमने एट लास्ट उस कोड को भी डिस्कस किया जिस कोड के बेस पर आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं।